कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल अंशु ऑटो एक्सपर्ट्स में। तो हमेशा की तरह आपके लिए एक और बहुत यूजफुल वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक BS4 जो उसमें हेडलाइट को किस तरह से बंद किया जाता है बिना कोई भी तार वार काटे या बिना किसी भी तार में कट लगाए। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बन लेना तो आपको पूरा प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने सॉकेट बनाया है इसको आप अगर खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से दोस्तों जो लाइट बंद करने वाला कॉन्सेप्ट है कोई यूजफुल नहीं रहता है, क्योंकि जो इसकी हेडलाइट जलती है वो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही जलती है। और कई सारे मेरे व्यूअर भाई हैं और मेरे मैकेनिक भाई लोग हैं तो उनका कहना है कि इस हेडलाइट की वजह से उनकी बैटरी डाउन हो गई या बैटरी खराब हो गई। तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ यार, बैटरी का हेडलाइट से कोई लेना देना है नहीं है, क्योंकि जो आपकी हेडलाइट ऑन होती है ये स्टार्ट होने के बाद ही होती है और इसको करंट भी अल्टरनेटर से ही मिलता है। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है कि आप कभी भी इसको चेक करना चाहें तो आपकी बैटरी में ही कोई फॉल्ट होगा या आपके रेगुलेटर में कोई फॉल्ट होगा या आपके अल्टरनेटर में कोई फॉल्ट होगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बार बार ड्रेन हो रही है। हेडलाइट की वजह से डाउन होने का कोई रीजन नहीं बनता है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप दोस्तों उसको बंद करना ही चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आपकी गाड़ी है, तो इसको कर सकते हैं, वो भी कोई बिना तार वार काटे या बिना किसी वायर में कट लगाए। आप नई गाड़ी लेते हैं उसमें आप अगर तार में कट लगवाते हैं या तार उसमें आप कटवाते हैं या कोई भी कट लगवा के उसमें करते हैं तो उसमें क्या है आपकी गाड़ी में वायरिंग शॉर्ट सर्किट होने का और आग लगने के खतरे भी होते हैं। दूसरा चीज, आप ये भी चीज देखते होंगे कि अगर आपकी गाड़ी में तार वार कोई कट लग जाता है तो कंपनी वाले आपको क्लियर कट कर देते हैं कि भाई वारंटी इस केस में आपको वायरिंग की नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों इसमें आपका दोनों चीज का फायदा है, आपकी गाड़ी में आग लगने का खतरा भी बिल्कुल जीरो हो जाता है, दूसरा आपकी वारंटी भी मेंटेन रहेगी अगर आप इस सॉकेट को लगवा लेते हैं। और इसको कोई लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मेरी इस वीडियो में आपको दिख जाएगा किस तरह से इसको आप मेरे से परचेज कर सकते हैं और किस तरह से आप इसको खुद भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी दूसरा क्या है, BS6 गाड़ी में भी कई सारे व्यूअर भाई उनका कमेंट आ रहा था कि BS6 गाड़ी में भी हेडलाइट बंद करने का कोई फंडा बताया दिन में जलती रहती है। दोस्तों वैसे जो हेडलाइट है जलाने का जो कॉन्सेप्ट है ये इसीलिए है सिर्फ कि आप विजिबल रहें, विजिबिलिटी रहे। हेडलाइट जलती हुई दिखती है तो आंखों में पड़ती है, हमें लगता है कि कोई बंदा आ रहा है सामने से, तो मेरे हिसाब से तो बंद ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से भी है, आपका चलान लान भी हो सकता है। बाकी भाई अगर आपको बंद करनी है तो कर सकते हैं, BS6 गाड़ियों के ऊपर अभी काम चल रहा है और हो सकता है 2-4 दिन में मैं इसका सॉकेट भी आपको बना के दे दूं। मैं आपको वीडियो में उसको दिखा दूंगा किस तरह से आप BS6 बुलेट में भी ये तार का सॉकेट को लगा सकते हैं और अपनी हेडलाइट बंद कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस एक स्विच मॉडल चाहिए होगा और एक ये जो सॉकेट में बना के दे रहा हूँ ये आपको चाहिए होगा, आप इसको खुद भी घर बैठे बैठे लगा सकते हैं अपनी गाड़ी में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं। तो देरी ना करते अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना इसको, आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको खुद से अपने घर पे भी लगा सकते हैं। बाकी हमेशा की तरह जैसा आप प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। जो भी दोस्त भाई लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने यार दोस्तों के साथ जो भी रॉयल एनफील्ड के यूजर है उनको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो मेंटेनेंस के ऊपर होती है और बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। मेरी सभी वीडियो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। तो यही आपसे आग्रह है कि मेरी सारी वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने वैल्यूएबल फीडबैक देते रहें मेरे को, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और दिन पे दिन अच्छा करता रहूं और दिन पे दिन इसको सुधार लाता हूं। तो अभी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ओके इसका हेडलाइट खुल लिया है, अब ये एचओ के लिए अलग से केबल आती है जो हमने खुद से बनाई है। तो अभी हम इसको गाड़ी में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं बिना कोई भी तार काटे आप हेडलाइट को कैसे बंद कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए हमको एक BS3 का स्विच मॉड्यूल चाहिए होगा जो राइट साइड वाला है हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए, तो इसको लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं कैसे होना है ये काम। तो अभी मेरे को खाली आपको दिखाने के लिए इसमें ये केबल लगाना है, तो अभी मैं हेडलाइट के बल्ब को निकाल लेता हूँ, बाहर ही लटका लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ उसमें कैसे होगा। इसमें लग चुका है, अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, तो अभी इसमें मैं दिखाता हूँ उसमें केबल कैसे लगनी है। तो जो आप इसका रेड वाला सिरा देख रहे होंगे ये हमें स्विच मॉड्यूल की तरफ से निकालना है और इस वाले सिरे में लगा देना है। इसमें कोई भी तार काटने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है और
और ये जो व्हाइट वाला इसका सिरा है ये हमें स्विच मॉड्यूल वाली साइड में लगाना है, जो मैंने अभी बाहर ही लटका रखा है, इसको फिट नहीं किया, इसमें फिक्स हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, जो एलईडी साइड का इसका स्विच मॉड्यूल की तार होती है इसको निकालना है, ब्लैक वाले कपलर को। अब इसमें जो हमारी ब्लैक वाली केबल थी वो इस तरह से इसमें लगाई नहीं है, ऊपर कर सकते, ठीक है, इस तरह से फिक्स कर देनी है। इसमें दूसरी वाली इसकी, ठीक है, अभी हमारा पूरा काम हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मॉड्यूल की मदद से कंट्रोल कैसे हो सकता है, बाइक स्टार्ट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका बल्ब जलेगा। तो अभी स्विच मॉड्यूल में आते हैं, अब मेरे को क्या करना है, इसको ऑन करना है। तो ये आपका बल्ब जल गया, यहाँ इसका ऑफ हो जाएगा, पार्किंग आपकी जलती रहेगी कंटिन्यू। और बाकी आपको अगर इसको अपर डीपर करना है तो आप इसको लेफ्ट वाले स्विच,